बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर 777। आज मैं आपको एक बहुत ही अमीर तरीन कंट्री के बारे में बताऊंगा कि आप उस कंट्री का वीज़ा कैसे ले सकते हैं और आप कैसे जा सकते हैं वहाँ। तो इस कंट्री का नाम है स्वीडन। जैसा कि आपको पता है, स्वीडन स्कैंडिनेविया में आता है, एक अमीर तरीन कंट्री है। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इससे हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं स्वीडन की तरफ। स्वीडन जो है वो एक बहुत अमीर मुल्क है। इस मुल्क का जो कैपिटल है उसका नाम है स्टॉकहोल्म और इसकी जो करेंसी है वो स्वीडन क्रोना है। और ये जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्वे और फिनलैंड के साथ, और डेनमार्क के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है, लेकिन थोड़ा सा बीच में समंदर आता है और वहाँ पर इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है। कभी आप अगर इस मुल्क में आएंगे, विज़िट करेंगे स्वीडन का, तो आप उस ब्रिज से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मस्त आप जाइएगा, क्रॉस कीजिएगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी तरक्की की है दुनिया में लोगों ने, और आप उस ब्रिज को देख के हैरान रह जाएंगे जो कि बिल्कुल समंदर के नीचे से होके जाता है और ख़ूबसूरत है। और ये मुल्क जो है स्वीडन, अगर आप इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से बिलोंग करते हैं तो मैं बताता हूँ कि आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते। इसके लिए इन्होंने VFS ग्लोबल यानी गैरीज ऑफिस जो है वीज़ा सेंटर बने हुए हैं, उनके थ्रू ये एप्लीकेशन लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो फिर टूरिज़म के लिए आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनमें सबसे पहले आपको आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए जिसकी मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ हो। उसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूल फिल्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली। इसके बाद आपके पास आपकी एयर टिकट की रिजर्वेशन होनी चाहिए राउंड ट्रिप, और इसके अलावा होटल कन्फर्मेशन होनी चाहिए। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो मेडिकल इंश्योरेंस भी होती है उसी को बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और इसकी 30,000 यूरोस को कवर करती हो और पूरे के पूरे शेंजन एरिया को कवर करती हो, यूरोप में जितना भी यानी कि यूरोप और शेंजन एरिया को कवर करती हो, और उसके ऊपर मेंशन किया हो कि स्वीडन को भी कवर करती है। ये चीज़ें तो कंपलसरी है जिस तरह होता है। इसके अलावा आपके पास FRC होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपके पास पाकिस्तान का जो NICOP है उसकी फोटोकॉपी आपने साथ में लगानी है। और अगर आपके करंट एसेट हैं यानी कि कहीं से पाकिस्तान में अगर आप जॉब कर रहे हैं, पहले तो आपको ये बता दूँ, तो आपके पास जॉब के पे स्लिप होनी चाहिए यानी प्रूफ ऑफ इनकम जो है पे स्लिप होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो, और उस जो है प्रूफ ऑफ इनकम के अलावा आपके पास अगर करंट एसेट है आपके कोई तो वो आप साथ में उनकी कॉपी लगा दें, प्रॉपर्टी है तो उसकी कॉपी लगा दें। ये प्रॉपर्टी वगैरह मुझे एक बंदे ने पूछा था कि प्रॉपर्टी के पेपर क्यों लगा, प्रॉपर्टी के पेपर वो लेते नहीं है, ना ही उनको इंटरेस्ट होता है। उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि आप पाकिस्तान के साथ या आपका होमलैंड इंडिया या जो उनसे भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसके साथ आपका रिश्ता कितना मजबूत है। और अगर आपको कहीं से कुछ यानी कि रेंट वगैरह आ रहा है तो भी आप उसकी कॉपी लगा दें, तो ये एक मजबूत केस करने के लिए, आपका केस मजबूत हो जाए तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इनकी कॉपी साथ में लगाई जाती है। और अगर आप रिटायर्ड हैं पेंशनर हैं तो आपको अपनी पेंशन की लास्ट 6 मंथ की पेंशन जो है उसका रिकॉर्ड साथ में लगाना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो यानी कि जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो उसकी इनरोलमेंट आपको साथ में लगानी पड़ेगी। ये थोड़े डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए, वो आपसे पूछेंगे। और ये है कि ये बेसिकली स्वीडन से अगर आपको कोई बंदा स्पॉन्सर भेजता है तो वो स्पॉन्सरशिप जो है वो ओरिजिनल आपने साथ में लगाना है। उसके अलावा उस बंदे की जो स्वीडन में जो भी बंदा है वो अगर कुछ स्पॉन्सर भेजता है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और उसका टैक्स रिटर्न का पेपर होता है जो स्वीडन में बंदे रहते हैं उनको पता है वो साथ में लगेगा।
और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में तो फिर आपके पास NTN नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड और साथ में टैक्स रिटर्न जो है फिजिकली यानी कि आपने वहाँ पे जमा कराई हो तो लास्ट 2 ईयर्स की वो डिमांड करते हैं ये। और इसके अलावा अगर आपके पास और कोई ऐसे एसेट हैं यानी कि जो चीज़ें आपके पास अगर हैं तो वो आप लगा सकते हैं जिनसे आपका केस स्ट्रांग हो जाए। नॉर्मल तो यही सारी रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा ये है कि अगर जो वहाँ पे यानी आप जाएंगे वीज़ा सेंटर जिस तरह मैंने बताया गैरेज के ऑफिस में, तो उनसे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करके उनके साथ आप फ़ोन पे बात कर ले चाहे, तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। तो इसकी जो वीज़ा फ़ीस है, टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस जो है वो 80 यूरोज है, तो आपसे वो चार्ज कर लेंगे। और इसके अलावा गैरेज की जो अपनी फ़ीस है वो आपसे ले लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर उनको फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अव्वल तो जब आप जाएंगे गैरेज के ऑफिस में या VFS ग्लोबल के ऑफिस में, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आपसे आपके पेपर चेक कर लेंगे। अगर कोई पेपर कम हुए तो वो वहीं पे आपको बता देंगे। अगर पेपर कम ना हुए, सारे ठीक हुए, तो फिर वो लेके आके सबमिट कर देंगे। अगर किसी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो स्वीडन एम्बेसी वाले आपको राइट देते हैं अपील का। आपके पास 2 वीक का टाइम होगा, 2 वीक के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। लेकिन जो वीज़ा फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है। अगर वीज़ा लग जाएगा तो देन वेल एंड गुड, अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बदरिया गैरेज ऑफिस आपको इन्फॉर्म करके वापस कर दिए जाएंगे या VFS के थ्रू आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और आपको जाना चाहिए। वहाँ पे आप देखेंगे कि कितना स्ट्रांग कंट्री है, कितना मजबूत, कितना खूबसूरत कंट्री है। वहाँ पे स्वीडिश लैंग्वेज बोली जाती है, इसके अलावा फिनलैंडिश यानी कि फिनलैंड की लैंग्वेज बोली जाती है, थोड़ी सी नॉर्वेज भी बोली जाती है और थोड़ी डैनिश भी बोली जाती है। तो ये कंट्री जो है ये खूबसूरत कंट्री है, अमीर तरीन कंट्री है। और इसके अलावा वहाँ पर इंग्लिश आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। हर बंदा वहाँ पे जो है पढ़ा लिखा है और इंग्लिश समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उनका समझ के इंग्लिश बोलने का स्टाइल है। आप बात कर सकते हैं इजीली, आप हर जगह पे जाके आराम से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज का इशू नहीं आपको आएगा। तो अगर आप इस कंट्री में जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय करेंगे। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूँगा, एम्बेसी का भी, गैरेज ऑफिस का भी, VFS का भी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।